ही इज फ्लोटिंग विदाउट लाइफ जैकेट से फ्लोट कर रहे हैं. जस्ट पुट हिम डाउन, पुट हिम डाउन, पुट हिम डाउन, लीव हिम. ही कम्स अप अगेन. खड़े मत हो, खड़े मत रहो. अगेन ही विल फ्लोट. डोंट स्टैंड. यू कैन फ्लोट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. प्लीज शो देम हाउ यू कैन फ्लोट बिना डूबे हुए. ठीक है, कंफर्टेबल है? आप जाइए. हाँ, फ्लोटिंग ऑन योर बैक ऑलवेज. जब भी आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप बैक पर फ्लोट करिए ताकि आपका कम से कम एनर्जी वेस्ट हो. आप नहीं, मेक देम फील द वॉटर. यस एवरीबडी, एंड गेट देम बैक. Now, इसमें वन इज लाइफ जैकेट. अगर आपके पास नहीं है, कई दफे कई शिप्स में, ऑल शिप्स, ऑल सी वेसल, सबके पास ये लाइफ बॉय रहती है. आपने साइड पे देखी लगी होगी. दिस कैन बी यूज्ड फॉर वन पर्सन, और चार लोग भी इसके अंदर एक साथ तैर सकते हैं बिना डूबे हुए फॉर लॉन्ग टाइम. जस्ट शो वन पर्सन इनसाइड. आप कैसे इसको पहनेंगे देख लीजिए. ये तरीका है, आपके आर्म स्पिट में आ जाएगा. ये आर्म स्पिट में ले आइए. हाँ, यस, बस इसमें आप ऐसे तैरते रहिए. दिस इज वन. टू पीपल अगेन, अंदर से भी. सेकंड पर्सन कैन कम इनसाइड एंड यू कैन होल्ड दिस स्ट्रिंग्स. ने बोथ इनसाइड, टू आर इनसाइड. दूसरा उल्टा कर लो. डोंट सिट ऑन दिस, दिस ओनली फॉर आर्मपिट. यस, अभी नीचे पानी में खड़े हो रहे हैं, अदरवाइज डीप एंड पे ये चांस नहीं मिलेगा इनको. दिस हाउ दे गो. Still they will not drown. दो में भी इसका वेट रहता है, इट कैन स्टिल टेक ऑन. अभी फंसा हुआ है, आपने उसको निकालना है. उसके पास ना लाइफ जैकेट कुछ नहीं है, वो बीच रास्ते में फंसा हुआ है. फॉर हिम एक बोरेम बनाते हैं, इस टाइप की नॉट. अभी हम दिखाएंगे उसको कैसे लगाते हैं. इसको हम फेंकेंगे उसके पास, जहाँ भी वो फंसा हुआ है उसको पहनेगा, और फिर हम उसको खींच के लाएंगे वापस. फर्दर आनंद जी हैं, वो फंसे हुए हैं, और बीच में हमारे ये सहायक हैं जो उनकी मदद करेंगे. तो हम अपनी जो बो लाइन है उनके पास फेंकेंगे, उनको लेके जाएंगे तैरते हुए आनंद जी के पास, और उनको फिर बाद में खींच के शोर तक लाएंगे. अभी आप देख रहे होंगे जैसे कि मेजर साहब ने आपको बताया किस तरह से एक कैजुअलिटी फंसी हुई थी पानी में, जिसको तैरना नहीं आता है, वो किस प्रकार से दूसरा तैराक वहां पहुंचा और उसने उसको बोलाइन डाल के उसको रेस्क्यू कर रहे हैं. अब जो भी यहां घाट पे खड़े हैं लोग कैसे खींच रहे हैं, आप ये सब दिखा सकते हैं. मान लीजिए काफी चौड़ा रिवर है, अबाउट 50-60 फीट ब्रॉड रिवर, जिसके अंदर काफी तेज पानी बह रहा है. सामने से हमारे टीम ने एक रोप लगा दिया है आदमी क्रॉस करने के लिए. तो जो कैजुअलिटीज नहीं है जो क्रॉस कर सकते हैं, वी टीच देम कि रोप के ऊपर कैसे आपने एज अ मंकी क्रॉल करके दूसरी तरफ जाना है. दैट्स कॉल्ड मंकी क्रॉल. और अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखिए इनका राइट हैंड और आगे पीछे, जैसे राइट हैंड को छोड़ के लेफ्ट आगे जाएगा, लेफ्ट आगे आएगी, राइट पीछे आ जाएगी. इसी तरीके से आपने जाना है. अभी रोड पर क्या है कि रोड पर ढीला है, वजह से आप पानी के अंदर घुस रहे हैं. उस समय रोड काफी ऊंचा होगा, धीरे काफी नीचे होगा. अगर आप ऐसे जैसे जाना चाहते हैं टेक्निक खुद से देख लीजिएगा, अगर हम रास्ते में घुस जाएंगे आपको. इसका मंजिल जैसे अंदर अंदर
कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको रस्सी बांधनी, चाहे वो किसी को नीचे उतारना हो या कोई दो चीज़ें आपस में बांधनी हो या पानी से किसी को निकालना हो, तो आपको नॉट लगानी पड़ेगी। नॉट या तो रस्सी में लगेगी या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई पोल, कोई ट्री, कोई ऐसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर लगेगा। नॉट जो है बेसिकली या नाइन टाइप्स ऑफ नॉट वैसे काफ़ी हैं, पर अगर हमें नाइन टाइप्स की नॉट्स का पता हो तो हम अपना काम रेस्क्यू ऑपरेशंस में आसानी से कर सकते हैं। हम आप जो अभी नाइन नॉट्स कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको नॉट्स के बारे में बताऊंगा कि नॉट क्या होती है, किस लिए होती है और क्यों लगती है, कैसे लगती है। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट नॉट प्रैक्टिस खत्म होने के बाद, जब आप इसको आइडिया लग जाता है आप कैसे लगाते हैं, उसके बाद हम सेकेंड नॉट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा, इन नॉट्स को हम आज लंच के बाद यूज़ करेंगे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में सेकंड फ्लोर से। हो सकता है कि आप में से किसी एक को बताया जाए कि आप नॉट लगा के नीचे खुद उतरिए, तो अगर आपने नॉट ठीक नहीं लगाए तो आप ही नीचे गिरेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बिकॉज यू बी यूजिंग योर एक्सपर्टीज टू गेट यू डाउन। ओके, फर्स्ट नॉट, ओके, देयर आर नाइन नॉट्स, बेसिक नॉट्स, रीफ नॉट, सिंगल शीट बेंड, डबल शीट बेंड, क्लब हिच, बो लाइन, फायर वेंचर नॉट, ड्रॉ हिच, मैन हार्नेस, शीप शैंक। नाम आपको अजीब लग रहे होंगे, एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड आपको पता लग जाएगा इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है। हर एक नॉट का नाम बताता है कि वो नॉट किस टाइप की है। पहले नॉट पे चलते हैं, रीफ नॉट। रीफ नॉट इज द बेसिक नॉट, ये सबसे बेसिक नॉट है, बाकी नॉट इससे कॉम्प्लेक्स आती है। इसको लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे। इसको तब लगाया जाता है जब दो रस्से एक ही थिकनेस के हों, एक जैसे मोटाई के रस्से हों, तब हम रीफ नॉट लगाते हैं। और ये रीफ नॉट हमेशा रोप टू रोप लगती है, रोप टू ऑब्जेक्ट नहीं लगती। रीफ नॉट को हम हर्कुलिन नॉट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक बार ये अगर लग जाए तो ये जब तक आप खोलेंगे नहीं, खुलेगी नहीं। ये आपने देखा होगा कई दफ़े आपके घर में जो पार्सल आते हैं या डाक खाने वाला कभी लेके आता था, तो जो नॉट लगाते थे पार्सल के ऊपर, उसको रीफ नॉट है। ये बेसिक नॉट हर जगह लगती है। इसका तरीका है, अभी वी हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, आप नॉट अभी मत लगाइएगा, सिर्फ देखिए। इट इज ओके, इसका तरीका है, जस्ट टेल यू, राइट ओवर लेफ्ट, राइट ओवर लेफ्ट, देन लेफ्ट ओवर राइट, उसको आप ऊपर रिवर्स करके लगा दीजिए। और इसका नॉट लगी कि नहीं लगी चेक करने का तरीका, जैसे आप उसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो आसानी से बाहर की तरफ खुल जाएगी, टाइट करेंगे तो खूब टाइट होती जाएगी, फिर खुलेगी नहीं, राइट। इसको फिर से देख लीजिए, ऑब्जर्व इट अगेन, डोंट अगेन, राइट ओवर लेफ्ट, ऑब्जर्व करिए, देन लेफ्ट, उसको घुमा के लेफ्ट ओवर राइट, दैट्स इट, राइट ओवर लेफ्ट, लेफ्ट ओवर राइट। इसमें अगर आप रीफ नॉट लगाएंगे तो ये नॉट स्लिप कर जाएगी, मोटी रस्सी के ऊपर से पतली रस्सी निकल के बाहर आ जाएगी और नॉट खुल जाएगी आपकी। मोटी और पतली रस्सी लगाने के लिए आपको सिंगल शीट बेंड लगाया जाता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो मोटी वाली रस्सी है, जो लूप, उसी का बनाएंगे आप, ताकि पतली रस्सी उसके आसपास आराम से बैठ जाए। अगर आप पतली रस्सी का लूप बनाएंगे, मोटी रस्सी उसको आराम से पकड़ नहीं पाएंगे। हैव अ लुक, आप सामने देखिए सिंगल शीट बेंड को, जो लेफ्ट हैंड में जो लूप बनी है वो मोटी रस्सी की बनी है।
Okay. Now next. सिंगल शीट बेड सर मैं आप लोगों के सिंगल शीट की तरह ही डबल शीट है वन मोर राउंड यस इस पर जरा नॉट में दो लाइने दिखेगी आप सिंगल शीट में एक लाइन होती है डबल में यू विल फाइंड दो दिखेंगे आप यस दैट्स राइट आपको रस्सी से किसी खूंटे से बांधना हो किसी पोल से बांधना हो पेड़ से बांधना हो तो ये ग्लव आप यूज करेंगे उस समय के लिए खासियत यह है कि जब इसको खींचा जाता है तो ये नॉट उतनी ही टाइट होती है ध्यान रखें कि इस नॉट को आप जानवरों में ना इस्तेमाल करें बाई चांस आपने क्लविश लगा के किसी गाय के गले में डाल दी और आपने खींचा तो वो टाइट होता जाएगा और उसको सफोकेट कर सकता है होल्ड करके आपका लेफ्ट हैंड आगे ले आइए एक लूप बन गई लूप आपसे आगे है ये हो गया अब राइट को आप ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए अंदर की तरफ तो अपोजिट ये अंदर ये बाहर अगेन लेफ्ट के रोप को आगे ले आइए इसको पकड़े रखिए इसको अंदर ले आइए अब दो अलग अलग हो गया राइट देन यू टियर देम उनको आप जैसे कागज फाड़ते वैसे फाड़ दीजिए और जोड़ दीजिए जहां भी जाएगा ये नॉट लग गया अब टाइट हो कहीं नहीं जाएगा बोल लाइन आपकी जो बाय चांस रेस्टोरेशन आप बोट यूज कर रहे हैं आप बोल लाइन बना के बोट को एंगल भी कर सकते हैं रेस्टोरेशन में यूज आपने बॉडी में देखा होगा खींचते समय लेके आया है इसका जो वर्किंग एंड है वो लूप में होना चाहिए वो लाइन लो रोप के बीच में नहीं लगती है किसी एक एंड में लगती है तो एंड वर्किंग एंड हैज टू बी अ बो लाइन सेकंड एंड आप खींच सकते हैं बो लाइन जनरली वाटर एक्सचेंज में यूज होती है तो अगर आपको लगता है कि आपकी रस्सी गीली है स्लिप कर सकती है उसमें एक्स्ट्रा एक हिच लगा दीजिए ताकि वो स्ट्रांग हो जाए आप देखिए बो लाइन कैसे लगती है ये लंबी रोप है आपकी आपका जो एंड आपको लूप बनाए उसके बाद ये आपके एंड है सिंगल डबल लगानी है हो गया तो आपको I'll tell you very briefly आपने सिंगल शीट बेड सीखी होगी डबल शीट बेड इट इज नथिंग बट अ डबल शीट बेड एट वन एंड ऑफ द रोप और थोड़ा सा लूप बना हुआ ताकि उसमें वो आपकी बॉडी फिट हो सके व्हाट इज डूइंग इज ये इतना रोप अलग से रखा हुआ है ताकि उसका लूप बन जाए ठीक है और ये जो है यहाँ पे इस रोप पे डबल शीट बेड कुछ नहीं करेगी और देन यू कम बोल रहे आपका ये लूप है सेल्फ कपलर
हैंड पंप में होल के अंदर घुसाया, पैर के चारों तरफ घुमाया, दोबारा घुमानी है, डबल लगाने हैं, डबल सीट पहनकर दोबारा घुमा, घुमाने के बाद फिर एगेन लूप में वापस उसके बाद इसको ये हो गया डबल सीट पहनकर। इसमें दो लूप बनते हैं पाइलन चेयर नॉट में, एक लूप छोटा होता है और एक बड़ा होता है। छोटा लूप आपके पॉन्ट की तरफ आएगा और बड़ा लूप आपके मेन बॉडी आर्म्स की तरफ आएगा। अब लगाने का तरीका देख लीजिए, इसको आज हम लंच के बाद यूज करेंगे नीचे उतारने के लिए। देखिए जरा प्लीज, ये आपको किस चीज की याद दिलाता है, कौन सी नॉट इस तरीके की तकरीबन आ रही थी अभी? क्लोविश तकरीबन तकरीबन, ओके फॉलो क्लोविश। चलिए क्लोविश हमने पूरा क्लोज कर दिया था, इसमें आधा करिए। रस्सी की एक लैडर या सीढ़ी बना सकते हैं चढ़ने के लिए ऊपर रहे हैं, और आप जब नीचे पहुंच गए आपको वापस आपकी रस्सी चाहिए रिक्लेम करने के लिए, उसके लिए यूज होती है ड्रॉइंग। इसमें ध्यान रखना है कि इसका एक सिरा एक लूप नीचे आने के लिए होता है और दूसरा सिरा उसको खोलने के लिए होता है। गलती से आपने खोलने वाला सिरा पकड़ लिया तो आप रस्सी के साथ नीचे एकदम आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, और टू यूज इट, ये देखिए जस्ट हैव अ लुक, रस्सी को दोनों को सेम दो भाग में डिवाइड किया, सेम क्योंकि आपने नीचे उतरना है फिर उसको नीचे लाना है रस्सी को, दोनों सेम। उसके बाद हमें क्या करना है, हमेशा वर्किंग लूप को आप चेक कर लीजिएगा। तब देखते हैं हम लोग प्लीज, छत के ऊपर से नीचे गिरा हुआ रस्सी, हमने इसमें लेडर बनाया, मतलब सीढ़ी जैसे बन के है तो करके बन जाती है राइट, इसे सीढ़ी बना दिया है, उसको पकड़ के ले रहे हैं सही को करते हैं, पहले क्या है कि जहाँ पे आपको लेडर बनाने हैं वहाँ पे इसको जमा करना, नीचे से यू बनाना नीचे से उसको क्रश जो लूप बनी हुई है, दिस इज अ स्मॉलर लूप, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा इसको आप जब आप एक लाइन में जा रहे हैं और स्नो एरिया है फिसलने के चांसेस ज़्यादा है, तो पांच छह आदमी एक लाइन में अगर जा रहे हैं हर एक आदमी एक ही रोप से ऐसे लूप में कमर में बांध के एक साथ जा सकते हैं, बन के जा सकते हैं, ये इसके बेनिफिट्स है। आप रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कर रहे हैं, कुछ लोग रिवर के अंदर हैं, कुछ साइड पे, कुछ बाहर हैं, उनको बचाने के लिए भी आप इस रोप को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। कई दफे होता है कि आपकी रस्सी बीच में से थोड़ी कमजोर हो गई है, घिस गई है कहीं से, और आपको शक है क्रॉस करते समय रस्सी टूटने का चांसेस है, उस टाइम पे जो जगह टूटी हुई है जो खराब है उसको आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे सकते हैं इस नॉट की वजह से। एक नॉर्मल चीज सी बात है, अगर आपकी रस्सी खिंची हुई है तो खींची रस्सी में आप ये नॉट नहीं लगा पाएंगे, ये नॉट तभी लगेगी जब आपकी रस्सी लूज है। देखिए एस बना लिया,
एस बनाते समय जो बीच वाला जगह है वो कमजोर वाला हिस्सा है जिसको आपने स्ट्रेंथ देनी है। यहाँ पे सपोज ये रस्सी कमजोर है, इसको स्ट्रेंथ देनी है, तो हमने एस बनाया वहाँ पे। एस एस बना दिया, एस एक तरफ अभी आपकी बीच की रस्सी पे बिल्कुल वेट नहीं आ रहा है, पूरी वेट सर की रस्सी पे आ गया। यहाँ से हमने कैजुअलिटी पर बैकवेट कर रहा है, मलबे के नीचे आपने देखा ना वो ग्राइंडर, तो समझिए ग्राइंडर में कैजुअल की फंसी हुई है, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो किस तरह आप जा करके उसको फंसे हुए कैसे। अब ऐसे बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ चुका है और कैजुअलिटी वैल्यूएशन कर रहे हैं हम, इसको आपने कैसे निकालना है? इसे निकालने का तरीका है बो लाइन के साथ बो लाइन ड्रैग, बो लाइन का खींचना। रोप में देखिए अगर आप तो बो लाइन बनी हुई है दोनों तरफ, एक बो लाइन कैजुअलिटी के लिए, एक बो लाइन जो खींच के ले जाएगा उसके लिए, आपने कैजुअलिटी तक पहुँचना है। हो सकता है उसमें अंधेरा भी हो, सबसे पहले कैजुअलिटी के आप ऊपर गो लाइन का लगा दीजिए, नेक्स्ट कैजुअल आर बांधना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आसपास जो मलबा पड़ा होकर चीज़ पड़ी है नीचे उसके हाथ को डैमेज कर सकती है या फिर आप बीच में फंस भी सकता है। हाथ बांध के उसको रख दीजिए, पैर तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। ये उस हालत में जब तकरीबन एरिया प्लेन हो आपके लिए, ऐसे में कैजुअलिटी को खींच के आगे ले जा सकते हैं। अभी देखिए कैसे कर रहे हैं, अगेन हाथ बांधना जरूरी है। इसमें ध्यान रखिएगा, दिस कॉल टो लाइन ड्रैग। उठा के ले जाना और टू पीपल कैन लिफ्ट द पर्सन टू आर्म्स। द शैडो का देखिए लॉकिंग कैसे होती है, हाउ द हैंड्स आर लॉक। भाई जान अगर टांग में चोट लगी है तो सीधे रखना पड़ेगा। This is for longer, longer distance के लिए। ये चार का यूज करेंगे जब ऊपर से कैजुअलिटी नीचे आ रही है तब उसको सपोर्ट करेंगे। ये हम वहाँ पे
बहुत आराम से उठता, कितना भी वजन हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आ गया, मुझे भी स्टेबलाइज करना पड़ेगा, तो मैं पीछे गिर जाऊंगा। अभी नहीं आपको बेटा स्टेबलाइज चेक कितना है इसका, कैटी बात इसको देख करना पड़ेगा कितना जा रहा है। कैटी बात लगे स्प्रेड इज लाइक स्प्रेड इन डाउन देख लो व्हाट इज लाइक दिस लाइक अ मूव एनी प्लेस आप आओ कितना भी आप चल सकते प्लीज करिए तो उसका बात। अभी ये गिरा है, ये इसकी जमीन पे लगी हुई है, सॉलिड चीज है। अगर सॉलिड पे नहीं है कहीं ऊपर खाबर में, तो हमको ये एंश्योर करना है कि वो अपना अच्छे से सरफेस या फर्श पे उसको लिटा देना है। लिटा के उसको अगर वो इस साइड में होता तो हम इसको इधर जाते, लेकिन अभी ये ठीक पोजीशन में गिरा है तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे फील करना है। मिस्टर अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमने अपने ये जो नकल्स हैं हमारे इससे यहाँ थोड़ा सा रब करेंगे, वो नहीं कर रहा है। फिर हमने एक क्वेश्चन लेनी है, अगर ये सब नहीं कर रहा है, सावित्री क्वेश्चन इसको हिंदी में कहते हैं। सावित्री क्वेश्चन आसन, ये आसन है कि हमको घुटने अपने फर्श पे रखने हैं, ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है, खड़े रहना है, अपनी बाजू जो है सावित्री पोजिशन में लानी है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। ये जो अपने आप फिंगर्स है ये लॉक इंटरलॉक कर देना है। ये अपनी जो एड़ियां हाथ की एड़ियां जो है इनको निपल के बीचों बीच जो स्थान है चेस्ट का इस पे रखना है, बिना ये घबराए हुए। इसमें हमने संकोच नहीं करना, चाहे उसको हर्ट भी हो रहा है मतलब तो उसकी हड्डी टूट जाइए। देखिए आप एक ऐसी व्यक्ति के साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं जो 10 मिनट के बाद शायद इतनी देर कहीं एम्बुलेंस जो आपने इमरजेंसी नंबर है उसको आपने बुलाया है, अगर नहीं आता है तो उसकी जान नहीं बच पाएगी। अगर आपने ये किया और किस भी से किया, 2 इंच आपका हाथ ऊपर उठना चाहिए, बेंट नहीं होना चाहिए, 2 इंच हाथ ऊपर उठना चाहिए और 1 मिनट में 100 बार 1 मिनट में 100 बार आपने ये कंप्लीट। होता क्या है जब भी हम कभी कार्डिक अरेस्ट होता है, जो ये कह रहा था कार्डिक अरेस्ट होता है उसमें हार्ट जो है वो फिब्रिलेटिंग वगैरह वो जो है मतलब मेडिकल टर्म्स है वो हिलता है, लेकिन ब्लड जो है वो पंपिंग नहीं करता है। पंपिंग का मतलब वो शरीर में दिमाग तक नहीं जाता, बंद हो जाता है शरीर, वो हार्ट से मतलब ब्रेन से डेड नहीं होता है, हार्ट से डेड हो गया होता है, लेकिन कुछ वक्त अरसे में अगर 1 मिनट हम डिले कर रहे हैं, 1 मिनट में 10% के हिसाब से उसका सर्वाइवल रेट खत्म हो जाता है। अगर हम 1-1 मिनट 5 मिनट भी हमारा डिले हो जाता है, फर्स्ट एड नहीं आता, कोई डॉक्टर नहीं आता, तो मीन्स उसका सर्वाइवल रेट 5 मिनट भी लेट हो गया तो 50 मिनट तो वैसे तो 50% तो गया, 10 मिनट हो गया तो 10 मिनट में तो पूरा वो 100% चला। फिर वो पंप उसका जो ब्लड है वो अपने हार्ट तक नहीं पहुँच पाते, ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगा। 1 मिनट में अगर हमारे पास इसमें 2 व्यक्ति, क्योंकि 1 मिनट में 100 बार इसको यूँ उठा के ऐसे ऐसे करना, पंप करना बहुत जो मतलब इसका बहुत इसमें मेहनत चाहिए। 1 मिनट में 100 बार ये हमको लग रहा है आसान है, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, 2 इंच ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अगर मैं 1 मिनट के बाद थक गया तो दूसरी तरफ जितनी देर वो मेडिकल एड नहीं आता तो दूसरी तरफ से अगर हमारे पास दूसरा सेवा दल है, कोई भी है, लेडी है, जेंट्स है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें कोई वो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ ये करना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उसको 2-2 इंच ऊपर उठा। मैं 1 मिनट इधर हो जाऊँगा, दूसरा आदमी इधर से बैठेगा, वो करता रहेगा। 5 मिनट 10 मिनट में भी अगर एम्बुलेंस या अगर मेडिकल एड नहीं पहुँचता है तो वो बच सकता है। तो ये हमारे पास ये समाधान हो गया। पहले पहले हम माउथ टू माउथ जैसे कि आपने आनंद श्रीवास्तव जी आप लोग बोल रहे थे, अब वो उसको सबको छोड़ के ये सब आज की डेट में इसको महत्वपूर्ण चीज़ है, ये करनी चाहिए जिससे आपकी। एक बात हमने जो याद रखनी है, ये बच्चों पे नहीं किया जाएगा और जो डूब रहा हो आदमी जो डूबा हुआ उस पर भी सीखिया नहीं, इतना हमको ध्यान दें। ये देखिए जी कैसे हमने हमारे पास स्ट्रेचर नहीं था, अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आई स्ट्रेचर में, हमने उसको साइड में कर दिया, उस प्रॉब्लम हुई उसको साइड में कर दिया। अब हम
जो हमारे पास चीज़ है हम उसी का स्ट्रेचर बना रहे हैं। तो वो देखिए आप स्ट्रेचर कैसे बन रहा है। अभी नीचे कपड़ा बिछाया, आइडिया से दो गंगू लगाए, एक साइड इधर डाला, दूसरा साइड इधर डाला। जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। ओके, अब उठाइए, ठीक है। दो पर्सन अलग अलग से, एक इधर स्ट्रॉन्ग होती है, इट कैन कैरी कैजुअलिटी। There it goes. Okay, now आप देखिए इसमें पानी जैसे किचन फायर है स्टार्टेड। अभी आप लोग क्या करना है, गुड ऑप्शन जो है बेटे यार, तरीका बड़ा सिंपल है, आप उसको अपनी तरफ आगे से नहीं लेके आएंगे। यू हैव टू आइसोलेट द फायर, आप इसे खत्म कर दिए। बेस्ट वे इज कम फ्रॉम हियर, कीप इट थोड़ा दूर रखिए एंड कवर इट। कुछ नहीं करना है, जमीन पे गिराना है। दो फायदे, जमीन पे गिराएगा मूवमेंट कम हो जाएगी। सेकेंडली जो उसका एक पोर्शन जमीन पे जो गिरा है उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। दूसरे पोर्शन के लिए आपने उसको खुद पकड़ के रोल कर लेना है। जब आप उसको पकड़ लेंगे तो आपके जो आपने जो उसको स्क्रीन बनाया है वो उसकी आपको बंद कर देगा काफ़ी हद तक। तो रोल करेंगे तो आपकी धीरे धीरे आफ्टर फ्यू रोल्स बंद हो जाएगी। वो पैर ये बेस्ट ऑप्शन हमारे अवेलेबल है उस समय। उसमें बाकी कुछ लेने के लिए तौलिया गीला कुछ अगर आपके पास है वेरी नाइस, नहीं है डोंट बॉदर। ये भी नहीं कि बाल्टी पानी की बड़ी उठाकर ऊपर फेंक दो आप, दैट विल किल द पर्सन देयर एंड देन। जैसे आप आग पे पानी फेंकेंगे आदमी के ऊपर वो उसको इंजरीज बर्न इंजरी उसी समय दे देगा एंड विल फिनिश ऑफ दिस। अब मान लीजिए कि ये आग आग करते भाग रहा है, इसको आग लगी हुई है, अब ये इसको पता नहीं कहाँ जा रहा है पर भाग रहा है। ये बताएंगे कि कैसे इसको रोके, क्या करना है। स्टार्ट। आग, 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 आग। ये राके इसके साथ आपने रोल करना है। अगर आपके गैस सिलेंडर में आग लग गई तब आप क्या करेंगे, यू कांट रन। मारने का फायदा नहीं है, आप बोल ठीक रहे लेकिन तरीका गलत है। मारे उसको लपेट देंगे आप, लपेट में मारना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि सिलेंडर हाइट का है, जैसे आपने पार्टी भी किया है तो आग कैसे पता लगेगा कहाँ लगी, जो उसका एग्जिट पॉइंट है वहीं लगी, बेस्ट पता लगे कि नहीं। यू कैन सी आग गोइंग आउट राइट, आपको दिख रही है आग लग गई है, आप उसको बंद नहीं कर सकते उस टाइम। दिस फायर अराउंड बेस्ट है आप जब भी उसको लें सिलेंडर को ऊपर तक गीला कपड़ा पकड़ के, गीला कपड़ा लेके तौलिया लेके यहाँ से सिलेंडर आ गया, सिलेंडर आ गया। इसको ऐसे करिए फिर ऊपर से ऐसे करिए, आपको पूरा सिलेंडर कवर हो गया। कवर होने के बाद यहाँ पे नॉब होती है, बिकॉज ऐसे आप बंद नहीं कर पाए। करने के बाद रिमेंबर टू क्लोज द नॉब, अगर वो खुली है तो दोबारा फायर हो जाए। लिमिट एज इट इज, डॉट लगाइए, डबल करिए, व्हाटएवर,
लेकिन डोंट लुक फॉर स्मॉलर एंकर्स। जेन यू कैन सोचते हैं पाइप है, पाइप में बांध देते हैं, जब सरिये निकले उसमें बांध देंगे, दे कैन बेंड एंड दे कैन हैपन लिटिल स्ट्रॉन्गर एंकर। सो वी हैव यूज्ड दिस नाउ, वी हैव यूज्ड कैराबिनर, इससे हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बीच से गैप छोड़ देंगे। सेकेंड जो है रोप, इसका एक रोप को एंकरिंग हमने कर रखी है इस कोने में, यू सी अगेन इसको नहीं कर पाए बिकॉज इस कैन स्लिप, वही ऑप्शन अवेलेबल अभी यही हमारे पास है। सेकंड पोस्ट में क्या करेंगे, इट इज डेंजरस, पुल इट आउट, पुल इट लाइक दिस, नॉट टू डबल इंश्योर कि इसका डिसेंट स्लो हो, आप एक और लूप लगाएंगे। अब जो रोप जाएगा यहाँ से रुक रुक के जाएगा, अगर आप सीधा रखेंगे और हाथ में अगर ठीक से नहीं पकड़ा, कैजुअलिटी विल गो स्लाइडिंग डाउन स्ट्रेट एंड हिट द ग्राउंड, बिकॉज यहाँ पे जब आप पकड़ेंगे थोड़ा सा हाथ में जलन हुई तो छोड़ दें, ह्यूमन बींग छोड़ देंगे, दिस विल स्टॉप। अच्छा बोल दे रहो खींचो, पुल धरो, खींचो खींचो खींचो, पुल धरो, पुल खींचो 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 खींचो, हाँ छोड़ो 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 खींचो 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 खींचो, वेरी गुड, नीचे लेने के लिए तैयार हो जाओ, नीचे रिसीव करने के लिए, हाँ दो लोग रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, खींचो खींचो, हाँ दो लोग रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, खींचो, बस रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो,